आदमी कितना पागल है, कितना कुछ गलत कर रहा है, कितना कुछ बटोर रहा है खाली हाथ जाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। लेकिन हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और आपने जो कल कहा, आप लोगों ने, जिसने भी कहा सही कहा, मिस्टेक हो गई थी कल, बोल गई थी मैं जाति डिवाइडेशन के बारे में, समझ एकदम से बोल गई। एक्चुअली क्या था कल, थोड़ा माइंड, मैं कह रही ना, वैसे तो मैं खुश थी थोड़ा सा, लेकिन निकल गया, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है ना। सही कहा आप लोगों ने, इसमें कोई गलत नहीं कहा। दूसरी बात, जिन्होंने ये कहा कि इशू मत बनाओ, मुद्दा देखो वो किस मुद्दे पर बोल रही है, उनके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बात कही और जो ये बात समझी कि हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, और इसका मुद्दा मत बनाओ, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगी। ठीक है, किसी व्यक्ति का अहंकार, आपको बताऊं, उसकी जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, समझ लेना, है ना। एक बात याद रखना, एक नदी का एक छोटा सा कण कभी चट्टान बनकर उस नदी को रोक सकता है, बस इतना ध्यान रखना। किसके शब्द हैं ये? मगध के राजा के शब्द हैं ये। उसने किससे कहा था? चाणक्य से कहा था ये शब्द, जी हाँ। तो अहंकार जो है वो बहुत ही गलत होता है। एक बात बोलूं, मैडम का जो ये रूप है बिल्कुल अलग दिख रहा है वहां पे जाकर, है ना। बेटी जमाई साथ में आए हैं, अब ये बेटी जमाई हो गए, पहले बेटी जमाई सूरत वाले थे, ये बेटी जमाई कौन है? ये फूल वाली जो इसकी बहन है, बहन बना रखी है, मतलब जो फूल बेचती है और इसका ब्याज का धंधा भी वो देखती है, ये उसकी बेटी बेटे हैं, बेटी जमाई हैं, और ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे ये भी, कुछ टाइम चलेगा इनसे भी, क्योंकि ज़्यादा दिन इसका किसी से नहीं चलता। सबसे शुरू में गोल्डन ग्रुप में मिली थी ये मरियम जी से, आज देख लो रेहाना बॉस से, आज देख लो कुलसुम से, आज देख लो और सना से, आज देख लो सूरत वाली फैमिली से, आज देख लो, ऐसी है ये, इसकी बनती नहीं है किसी दिन। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी किसी से बनती नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, आप मिले हो, बनने का मतलब ये होता है जब इंसान की किसी से नहीं बनती तो विचार नहीं मिलते, तो उससे बनती नहीं है, तो उससे आराम से अलग हो जाओ, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। लड़के अलग हो गए ना, तो आप कभी अगर वो सड़क पर मिल गए आपसे तो दुआ सलाम नहीं हो सकती। तो इतनी गुंजाइश हमेशा रख देनी चाहिए इंसान को हर रिश्ते में कि दुआ सलाम तो रह ही जाए, बस, है ना। और मैडम जी इतनी अच्छी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ बादाम अखरोट लेकर नहीं आई खाने के लिए, क्योंकि यहाँ बेटी जवाई को खिलाने पड़ते, तो बादाम अखरोट घर पर खाती हैं वो, यहाँ लाती तो बेटी जवाई को खिलाने पड़ते, फिर मैडम जी के ख़त्म हो जाते तो यहाँ सिंगदाने से ही काम चला लेंगी, है ना, सिंगदाना ही खा लेंगी जी। देखो मैडम, 8 दिन तक तो मैडम डांस करा, मैडम ने खूब रात को डांस करा, सुबह को पढ़ती थी और खूब नाची। अब 9वें दिन चली पीर मजारों पर, सिर ढक के बातें बना के, अब पीर दुपट्टा डाल के सिर पर 9वें दिन जा रही हैं मैडम जी पीर मजारों पर, और छोटे की नज़र उतार देती हूँ, छोटे की नज़र उतार देती हूँ, बड़े को कभी नज़र नहीं लगती है मैडम, बड़े को नज़र नहीं लगती, छोटे को ही लगती है नज़र, है ना, छोटे की नज़र ही उतारती रहती है, बड़े को कभी नज़र नहीं लगती, है ना। और मरियम जी और सना ने डेग बाटी, मरियम जी ने और सना ने डेग बाटी, तो इसने भी डेग बाटी काले के साथ जाकर,
नकल तो ये इतनी करती है, पूछो मत। इसने भी देख बाटी जाकर काले के साथ, मरियम सना ने सबसे उन्होंने बाटी, फिर ये बाद में गई, छट्टी शरीफ के बाद में गई थी पिछली बार, तो देख बाट के आई थी, है ना। नकल करती है, नकल तो ये 100% करती है, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन इसकी नकल कौन करता है? इसकी नकल कोई भी नहीं करता, दिमाग नहीं है ना। नकल वही करते हैं जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, जिन पर दिमाग होता है वो अपने दिमाग से चलते हैं, नकल नहीं करते किसी की, है ना। हर पीर मजार पे ये बुड्ढे के साथ जाती है, अब यहाँ क्या कहेगी, बस मांग नहीं जा, कह रही ना मैं मांगने जाती हूँ बिना कभी ऐसे भी जाके देखो मैडम, बिना मांगे भी कभी जाकर देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर बिना मांगे भी आप कभी जाके देखोगी ना, केवल उनके लिए जाना कि मैं आज आपके दीदार करने आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, बस, तो बात ही अलग है। और दिल में रख के जाओ कि मुझे ये मांगना है, मैं जा रही हूँ, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, उसका मजा एक अलग होता है, है ना। और एक खबर मिली है, बुड्ढा इसी के घर में है, इसी की सोसाइटी में है, पक्की खबर है, वहीं है, और ये बुड्ढे को घर छोड़ के आई है दीदी बॉस को कि ऐसा है मेरा मर्द है, आ जा तू ले जा, ये वो कह रही थी। उसका मर्द नहीं है क्या? उनका भी मर्द है, उन्होंने किसी का छीना नहीं है, उनका तो खुद का है, तूने तो छीना है किसी का, बॉस का तो खुद का मर्द है, समझे जी। आ जा ले जा ये वो कहा है ना, कह रही थी ना, तो उसने उन्होंने करा है थे केस इसके ऊपर, तो वो ज़्यादा इसके सामने इसके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे डरता तो है ही वो, और इसे सोसाइटी में देखा है सिगरेट पीते हुए बाहर निकल रहा था, जैसा कि हमें खबर मिली है अज्ञात सूत्रों से, है ना। तो ये केवल कुछ नहीं झूठ बोल रही है, पब्लिक को सी बना रही है, इसलिए कि पब्लिक इसका साथ दे, और इस पे मतलब तरस खाए, लेकिन ये बेईमान औरत है, ये झूठ बोलती है, बड़ा दुख होता है इस बात से। और इसीलिए देखो ये झूठ बोलती है, तभी तो ये परेशानी में फंस गई। अगर ये पब्लिक से बिल्कुल क्लियर करके चलती, हर बात साफ करके चलती, तो मैं समझती हूँ काश पब्लिक भी इसका साथ देती, ठंड लग रही है मुझे, इसका पब्लिक भी इसका साथ देती अगर ये पब्लिक से क्लियर करती हुई चलती, लेकिन नहीं, ये झूठ बोलती है, और पब्लिक का विश्वास इसके ऊपर से उठ चुका है, इसलिए यकीन नहीं करती। मैं तो समझती हूँ, देखिए इंसान, आप किसी से अगर झूठ बोलोगे, किसी से आप छल करोगे ना, तो आपकी कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाएगा वो, और जब पकड़ा जाएगा तो आपकी सामने वाले की नज़र में आप गिर जाओगे। और कहते हैं ना कि ज़मीन से गिरा हुआ इंसान तो उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ इंसान कभी उठ के खड़ा नहीं होता, वो हमेशा के लिए गिर जाता है। यही है कि इसके सबसे बड़ी सबसे मतलब ज़्यादा पब्लिक को कहाँ ठेस लगी, सबसे ज़्यादा पब्लिक को जब ठेस लगी, मैं जहाँ तक जानती हूँ, बाकी पब्लिक जानती होगी, मैं जहाँ तक जानती हूँ, ठंड लग रही है, ठंड हो रही है, मैं जहाँ तक जानती हूँ पब्लिक को सबसे ज़्यादा बुरा जब लगा, जब रंटा को इसने अपने घर में बुलाया, जब छोड़ के गया था, रंटा किसे बुरा बुरा कह रहा था, और पब्लिक ने इसका पूरा साथ दिया था, पूरा सपोर्ट किया था, और इसने पब्लिक को दो एक तरफ रख के, उनकी भावनाओं को एक तरफ रख के, और इसने रंटा को साथ में बुला लिया था, और पब्लिक ने यही कहा था जब भी कि इंसान इस लायक नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उससे भी ज़्यादा गिरी हुई है, ये उस आदमी से भी ज़्यादा गिरी हुई है जी। हाँ, तो जब से पब्लिक का विश्वास इसके ऊपर से उठ गया, अब इसने कह तो दिया कि चला गया छोड़ के, अब वो आ गया, घर में है, कैमरे में नहीं दिखा रही है, ये गई है बेटी उसकी फूल वाली जो है उसकी लड़की जवाई के साथ मज़ार में, उसे लेके नहीं गई, वो घर में ही है जी। बुरा इसलिए नहीं कह रही, वो भी इसे बुरा नहीं कह रहा, हाँ उस टाइम अलग हुए थे, अब ये अलग नहीं है। तो देखो आपको बताऊँ मैं मैडम शीला बाई,
पब्लिक का सी मत बनाओ, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। ऑडियंस जो होती है वो भगवान होती है, और उस ऑडियंस की वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। देखिए हम तो एक बात जानते हैं, अगर हमारे साथ कोई इतना सा कर देता है ऐसा, मैं भूलती नहीं, मेरे मैं बता रही ना आपसे, मेरी जो परसों दोस्त आई थी परसों रात, वो मेरी दोस्त आज से नहीं है, सन 2002 से है, समझ लीजिए कितने साल, 20 साल से ऊपर हो गए। और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम, बहुत परेशान रहती थी, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो बहुत सपोर्ट रहा उनका, उन्होंने मेरे यहाँ से थोड़ा बहुत काम भी सीखा था पार्लर का, उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा, और आज भी ऐसी बात नहीं है। तो एक विश्वास होता है ना, वो इस विश्वास नहीं टूटना चाहिए इंसान का, दिल टूटने से ज़्यादा मैंने कल भी कहा था विश्वास टूटने का तकलीफ होता है, तो ये इसने विश्वास तोड़ दिया पब्लिक का। जी चलो फिर ठीक है, हो गई बहुत मेरी बकबक है ना, और पसंद आए, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि हाँ कल मेरे से गलत हो बोला गया था, कोई बात नहीं, इशू की बनाने की इसमें कोई बात नहीं थी, हो जाती है गलती है ना। तो आप बेटी ने भी मेरी ये बात मुझसे कही थी, मम्मी गलत बोल गई आप, मैंने कहा हाँ बेटा मैं गलत बोल गई, और उनका फिर मैं दोबारा से दिल से थैंक यू करती हूँ जिन्होंने कहा था इशू मत बनाओ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। ओके बाय।